हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक केस एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। तो BECIL की तरफ से फिर से नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जो कि अलग अलग दो नोटिफिकेशन है जो कि दो पोस्ट के लिए यहां पे जारी किया गया है। तो इस पे जो है एक दिन पहले जो है मैंने वीडियो बनाया था कि नया नोटिफिकेशन आया हुआ था, फिर से यहाँ पे जारी किया गया है दूसरे पोस्ट के लिए। तो चलिए वीडियो में जो है पूरी डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। अब यहाँ पे क्या है, BECIL के जो नोटिफिकेशन है यहाँ पे आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो है आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। यहाँ पे व्यू मोड पे आप क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही व्यू मोड पे क्लिक करेंगे तो इस टाइप का इंटरफेस आपको यहाँ पे खुल के आ जाएगा। व्यू मोड पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ कैरियर सेक्शन पे आप चले जाएंगे। कैरियर सेक्शन पे क्लिक कर लेंगे तो यहाँ पे जो है वैकेंसीज पे क्लिक कर लेना है आपको। अब यहाँ पे देखिए कि वैकेंसी जो मैंने डिस्कस पहले किया हुआ है, जो आया हुआ था, तो यहाँ पे वो दिया हुआ है EDMC यानी कि ईस्ट दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से जो आया हुआ था। ये वीडियो मैंने पहले ही बना के कल डाला हुआ था, अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा वीडियो का, या फिर आई बटन पर भी क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आज जो है नया नोटिफिकेशन इस पे जारी किया गया है जो कि दो पोस्ट के लिए है। अब यहाँ पे एक नोटिफिकेशन यहाँ पे ये दिया हुआ है जो कि जिसका डेट है 18 जून लास्ट डेट है, और यहाँ पे एक और नोटिफिकेशन है जो कि 16 जून लास्ट डेट है। तो इस दोनों नोटिफिकेशन के बारे में यहाँ पे हम देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले इस नोटिफिकेशन को देख लेते हैं। तो यहाँ पे 29 मई 2020 से फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है और 16 जून तक यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे, देख सकते हैं नोटिफिकेशन इसका डाउनलोड हो चुका है। तो जो है BECIL की तरफ से, अब यहाँ पे वैकेंसी नोटिस हम देख लेते हैं कि क्या क्या यहाँ पे दिया हुआ है महत्वपूर्ण जानकारी। अब यहाँ पे जॉब देखें तो पेशेंट केयर मैनेजर PCM की जॉब है यहाँ पे। उसके बाद इसमें जो अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका बैचलर्स डिग्री होना चाहिए लाइफ साइंस विथ फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन होना चाहिए इन हॉस्पिटल और हेल्थ केयर मैनेजमेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एक्सपीरियंस भी मांगा है, 1 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख लें सारा का सारा डिटेल अप्लाई करने से पहले। एज लिमिट आपका 40 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और किस टाइप की जॉब है यहाँ पे पूरा का पूरा डिटेल यहाँ पे आपको दिया हुआ है। उसके बाद 10 पोस्ट पे यहाँ पे बहाली है और इसमें जो सैलरी है वो आपका 30,000 पर मंथ दिए जाएंगे और एनुअली इंक्रीमेंट जो है 10% का यहाँ पे किया जाएगा आपका। करते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म आपको कहाँ से मिलेगा, तो इसके वेबसाइट से एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा जो कि मैं बाद में लास्ट में बता दूंगा कि कैसे आपको डाउनलोड करना है। तो जिस तरह से मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था एप्लीकेशन फॉर्म, वही सेम टू सेम एप्लीकेशन फॉर्म है। बस आपका यहाँ पे पोस्ट नेम जो है चेंज हो जाएगा उसमें, बाकी सब कुछ सेम टू सेम वैसे ही फिल करना है। अब यहाँ पे हम बात कर लें कि द डली फील्ड इन एप्लीकेशन फॉर्म को आपको प्रिंट आउट निकाल करके और उसको फिल कर लेना है पेन से। उसके बाद अलोंग विथ उसके साथ सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी आपको लगाना है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो भी आपके पास है, और 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, उसके बाद पैन कार्ड, आधार कार्ड एंड नॉन रिफंडेबल आपको फी भी यहाँ पे करना पड़ेगा ₹500 अगर आप जनरल या OBC कैंडिडेट हैं तो, और अगर आप SC ST PH कैंडिडेट हैं तो आपको जो है ₹250 यहाँ पे देना पड़ेगा। आप जो पेमेंट आपको करना है वो आप पर्सनली कैश से भी कर सकते हैं। अगर आप दिल्ली में रहते हैं इसके आसपास में तो आप जो है इनका ऑफिस जो है यहाँ पे एड्रेस दिया वहाँ जाके कैश से भी दे सकते हैं, या फिर आप डिमांड ड्राफ्ट जो है बना सकते हैं। आप डिमांड ड्राफ्ट किस फेवर में बनाना है तो यहाँ पे देख सकते हैं, ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड पेएबल एट न्यू दिल्ली, ठीक है। इस पर आप जो है डिमांड ड्राफ्ट बनाएंगे और यहाँ पे सारा एड्रेस दिया हुआ है। अब कि लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म की जो डेट लास्ट डेट रखी गई है वो है 16 जून 2020 तक यहाँ पे एप्लीकेशन आप सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद हम आगे अगली वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पे जब हम चलते हैं इसके कैरियर सेक्शन पे, तो कैरियर सेक्शन पे आने के बाद आप दूसरी वैकेंसी यहाँ पे देख सकते हैं जिसकी डेट जो है 29 मई से लेकर के 18 जून तक इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस पे जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक नया नोटिफिकेशन आ चुका है। अब इस नोटिफिकेशन में देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे पहले आपको मैं बता दूं यहाँ पे जो पोस्ट है आपका वो है आपका IT कंसल्टेंट की पोस्ट। अब इसमें ध्यान से देखें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को, यहाँ पे समझना है आपको। सबसे पहले दिया कि BE BTEC आपका होना चाहिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर इंफॉर्मेशन साइंस या कंप्यूटर साइंस या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में, और यहाँ पे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। और इस पोस्ट के लिए अगर हम बात करें तो आपका 30,000 जो है पर मंथ सैलरी यहाँ पे दिया जाएगा। लेकिन आगे जो पोस्ट है सेम पोस्ट तो सेम है IT कंसल्टेंट की, लेकिन इसमें क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है BE BTEC IT से, उसके बाद इंफॉर्मेशन साइंस से, कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स से, ठीक है। और इसमें जो 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, और इस एक्सपीरियंस में आप यहाँ पे देख सकते हैं किस किस चीज में एक्सपीरियंस मांगा गया है। बाकी जो है आप डिजायरेबल स्किल भी देख सकते हैं। डिजायरेबल स्किल का मतलब होता है कि अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। देख सकते हैं कि आपने अगर ME MTEC इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर MBA IT फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट ऑफ UGC या AICT या MCA से किया हुआ तो आप जो है यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है आपको इस पोस्ट के लिए।
और यहाँ पे आपको MSc इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर साइंस से किया तो 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। तो आप इस तीनों जो लास्ट वाले क्वालिफिकेशन है इसको ध्यान से देख लें, और इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें ये कोर्स किया तो आपको 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, ये कोर्स किया तो आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, और इस कोर्स के लिए आपको 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। और इस पोस्ट के लिए यानी IT कंसल्टेंट और इस क्वालिफिकेशन पे जो पोस्ट है उसके लिए आपको 40,000 से 50,000 रुपए तक पर मंथ मिल जाएगा, और बाकी आप ऊपर वाले जो ये पोस्ट है इसके लिए 30,000 रहेगा और इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। तो आप यहाँ पे ध्यान से पढ़ लें, और सारा का सारा डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। बाकी एप्लीकेशन फॉर्म आपको कैसे जो है मिलेगा, तो या तो आप इसके ऑफिस हेड ऑफिस जाके एप्लीकेशन फॉर्म ले सकते हैं, लेकिन इसके वेबसाइट से आप क्या कर सकते हैं डाउनलोड कर सकते हैं, तो अभी मैं बता दूंगा किस तरह से आपको डाउनलोड करना है। उसके बाद यहाँ पे जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें भी सेम टू सेम जैसे पहले वैकेंसी में मैंने बताया है कि सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी आपको एजुकेशनल या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो भी है उसका लगाना पड़ेगा, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स रहेंगे, उसके बाद आपका जो है पैन कार्ड आधार कार्ड ये सारे के सारे लगाने पड़ेंगे, और फी पेमेंट यहाँ पे DD बना करके आपको करना पड़ेगा जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 500 इसमें भी है जनरल OBC के लिए और 250 जो है SC ST PH कैंडिडेट के लिए है। और अगर आप कैश पेमेंट करना चाहते हैं तो इसका ऑफिस में जाकर कैश पेमेंट भी कर सकते हैं, और इसके लास्ट डेट जो है आपका 18 जून 2020 रखी गई है। तो यहाँ पे आप अप्लाई करने से पहले पूरा का पूरा नोटिफिकेशन पढ़ लीजिए, डिस्क्रिप्शन में जो है पूरा लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके पूरा पढ़ लें उसके बाद ही अप्लाई करें। तो चलिए एप्लीकेशन फॉर्म देखते हैं इसका कैसा एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ पे दिया हुआ है। तो व्यू मोड पे जैसे ही आप जो है यहाँ पे आ जाएंगे कैरियर सेक्शन पे आना है आपको, कैरियर सेक्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वैकेंसी के नीचे जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म का ऑप्शन मिल जाएगा, तो इस पर क्लिक करेंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पे मिल जाएगा। तो इसमें आप जो है सेम फॉर्म है जैसा कि मैंने पिछले वीडियो जो इस पे निकाला गया था उसकी वैकेंसी कल बनाई थी वीडियो, उसमें भी मैंने ये फिल करने का बताया हुआ था। चलिए एक बार और मैं बता देता हूँ, यहाँ पे आपको फोटो जो है अपना रिसेंटली पासपोर्ट साइज फोटो लगा लेना है। बस यहाँ पे क्या होगा कि पोस्ट नेम यहाँ पे चेंज हो जाएगा, IT कंसल्टेंट का अगर पोस्ट है तो यहाँ पे आप वो दे देंगे, PCM का पोस्ट है तो PCM लिख देंगे, बाकी कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड नंबर कंपलसरी है, एम्प्लॉय जो है स्टेट इंश्योरेंस नंबर अगर कोई है आपके पास तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, पैन नंबर है कंपलसरी देना है यहाँ पे, कैटेगरी अपना देख सकते हैं मैरिटल स्टेटस, नेशनलिटी, रिलीजन, परमानेंट एड्रेस सब कुछ यहाँ पे फिल करते हैं, कॉरेस्पोंडेंट एड्रेस, ईमेल आईडी, उसके बाद मोबाइल नंबर और सारा का सारा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे आप दे देंगे और वर्क एक्सपीरियंस आप यहाँ पे लिख देंगे पूरा। तो आप देख सकते हैं इस तरह का फॉर्म है आपको, और यहाँ पे लैंग्वेज नोन यानी कि आपने कोई लैंग्वेज जो है जानते हैं जैसे हिंदी जानते हैं तो हिंदी यहाँ लिख देंगे, इंग्लिश जानते हैं इंग्लिश लिख देंगे, अगर पढ़ना जानते हैं तो इस पर पढ़ना पर यानी रीड पर टिक कर देंगे, बोलना जानते हैं तो इस पर टिक कर देंगे, लिखना जानते हैं तो इस पर टिक कर देंगे। बाकी आप यहाँ पे देख लें कि ये सारे के सारे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको चाहिए तो आप इसको जो है अप्लाई करने से पहले अपने पास इस सब क्वालिफिकेशन को उसमें लगा के तभी जाके सेंड करें एप्लीकेशन फॉर्म। बाकी डिफरेंस की बात करें तो अगर आपका BE CIL में कोई डिफरेंस है, कोई जान पहचान है तो उनका जो है डिफरेंस में डाल सकते हैं, नहीं है तो किसी फ्रेंड्स का भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो दोस्तों ये एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं, और जो भी नोटिफिकेशन है वो भी डाउनलोड करके आप पहले पढ़ लें अच्छे से तभी जाके अप्लाई करें। जॉब है आपका कॉन्टैक्ट बेसिस का जॉब है, यहाँ पे आप देख सकते हैं PCM का जॉब है वो भी कॉन्टैक्ट बेसिस का, और दूसरी जो पोस्ट है आपकी उसमें देख सकते हैं IT कंसल्टेंट की, ये भी जो है आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का जॉब है, तो आप ध्यान रखें ये परमानेंट जॉब नहीं है। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, इसी तरह के बेहतरीन अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नया चैनल पे तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।